وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.

अठावन सूर्य बकरा आयत नंबर चौंतीस हिस्सा दोम आज का मौजू क्या हम मतकबर हैं इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का अदा होगा शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत नहायत रह और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया सविन क्रम सूर्य बकरा आयत नंबर चौतीस व स्कुलना और जब हमने कहा लिलमलायक फ़रिश्तों से उस जदोल आदम सजदा करो आदम को फसा जदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला इबलीस लेकिन इबलीस ने नहीं किया अबावस्त बरा उसने इनकार कर दिया और तकबर किया व मिनल काफ़रीन और ये हो गया काफिरों में से इस आयत शायत मुबारक सामने कराम गुजा सबक में भी हमने बात की थी और इसमें काफ़ी मजामी हैं तो मकाम इंसानियत है और इंसान की फजीलत का बात की बात हो रही है दूसरा इबलीस की बात हो रही है इबलीस यानी शैतान इबलीस आ, शैतान और इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करता हूँ आपते जिस टोली में हुक्म सजदा हो रहा था या हुआ तो वो मलाइका की मजलिस थी लेकिन उसमें जिन आज़ाजील नाम था उसका वो भी मौजूद था उसके बारे में आपको मैंने बताया है कि इबादत गुजार था और मुसलमान था और जो भी था लेकिन जिन था का ना जिन तो बहरहाल उसने सजदे से इनकार कर दिया इब्लीस का माना मायूस फिर वो उसका नाम इब्लीस पड़ गया क्योंकि वो अब मायूस है शैतान शतना दूर शतना कहते हैं दूर तो वो दूर हो गया अल्लाह से और मरदूद हो गया रजीम अबाब तक बना तो इसमें एक तो यानी इंसान के दुश्मन का तस्करा है इनज़ा अदबूबलकबल जी का भी आएगा अबावस्त तक बना उसने इनकार किया और तकबर किया या मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ देखें इनकार और तकबुर से इंसान काफिर हो जाता है और किस बात से इनकार अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार और अपने आप को बड़ा समझना ये तकबर के बारे में मैं थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ देखें तकबर आम तौर पे हम जो इसका माना समझते हैं वो महदूद माना है तकबर ये यानी ये बड़ा मतकबर है हम कहते हैं ना एक आदमी रौनत रुण, से बात करे दूसरों को हक़ीर जाने तो हम ये कहते हैं आम तौर पे कि ये मतकबर है बड़ा मतकबर है सीधे माँ किसी के बात ही नहीं करता बात करता है तो गुस्सा और दूसरों को हकीर ये माने में हम मतकबर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये होगा लेकिन असल माना तकबर का आप समझने की कोशिश करें तकबर का माना बड़ा समझदार अच्छा अल्लाह के अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला तरमाया है कि अल्किब्रिया और इदाई कि तकबर मेरा रज़ाई है रज़ाई मेरा जामा है मैं लेकिन जिसने फम, फमनाजाना अन्नी कि जिसने मुझसे ये छीनने की कोशिश की मैं उसको चीर के रख दूँगा ये बड़ी ख़तरनाक बात है और देखें मैं अगर आपसे मुख़ातिब हूँ तो इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि रिवायती तौर पे मैं आपको कुरान के मजामी बयान कर रहा हूँ या रिवायती दर्स है ऐसी कोई बात नहीं है न मैं तो आलिम हूँ आपको मालूम है मैं तो एक आम सा इंसान हूँ और समझने की अलबत्त हम कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं दोनों बातें हैं मैं ख़ुद भी समझने की कोशिश करता हूँ मैं अल्लाह ताला का एक आजिज़ बंदा हूँ और अल्लाह ताली की तोफ़ी से ही मैं आपको ये मजामी बता रहा हूं बहरअल तकबर का माना तकबर का असल माना जाने आप तकबर यानी बड़ा बड़े का हुक्म माना जाता है आमतौर पर देख ले दुनिया के कानून में तमाम मतलब कानून दुनिया यही है कि बड़े की इताद की जाती है कि नहीं ठीक है अब जब यह सूरत हाल है दुनिया में और बड़े की इतात ना करने से फसाद पैदा होता है दुनिया में भी आप देख लें एक प्रिंसिपल है स्कूल में उसकी अगर टीचर आ, बात मानने से इनकार कर दे तो स्कूल में फसाद नहीं होगा <स्थाथ> बाज स्ट्राइक हो जाती है टीचर की प्रिंसिपल के खिलाफ तो वो फसाद हो जाता है हर जगह देख लें हर मामले में बड़ा तो ये तो एक ऐसा आम सा लफ्ज है कि बड़े की बात माननी होती है और मानी जाती है और मानना ज़रूरी है हर जगह मैनेजर जनरल मैनेजर आप देख लें मुल्क का वज़ी अज़म है उसकी बात माननी चाहिए और जो भी बड़ा है घर में बड़ा जो है मिसाल के तौर पे वालिद साहब हैं और उसका अगर यानी बाप का कहना मानने से अहल खाना इनकार करने बीवी बच्चे तो वो फिर क्या होगा फसाद ही होगा ना बड़े का कहाँ माना जाता है न मानने से फसाद पैदा होता है ये बात नोट कर ले यानी ये अकली बात है अब देखिए अल्लाह ताला ने अब ये मैं क़ीमती बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला की तोफ़ी से अल्लाह इंसान को पैदा किया है अपने लिए और इसको एक बुलंद मर्तबा बुलंद दर्जात से अल्लाह ताला नवाजना चाहता है इंसान की महाराज ये है कि ये वासिल बिलहक़ हो जाए या अपने अंदर अहलियत पैदा कर ले रब ताला के मुलाकात और दीदार की ये मकसूद इंसान है ये मैं आपको बताया भी है तफसी से बताता भी रहूँगा ये दोबारा आज कह रहा हूँ मकसूदे यानी मैं और आप इसलिए हैं कि आखिरत के दिन के लिए तैयारी करें आखिरत के दिन क्या होगा आखिरत का दिन नतीजा है रिज़ल्ट डे मालिक यौम द्दीन रोजे जजा का मालिक अल्लाह है और वहाँ क्या जिन लोगों ने अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयारी की दुनिया में वो लोग वहाँ कामयाब होंगे जो लोग अल्लाह ताला की मुलाकात से गाफिल रहे उसकी तैयारी से गाफिल रहे वो लोग वहाँ पे नाकाम होंगे यहाँ रुक के मैं बात ज़रूर करूँगा कि आज जिन लोगों के हुजूम में हम मैं और आप रह रहे हैं ये लोग अल्लाह ताला की मुलाकात की तैयारी में नहीं है न करना चाहते हैं न इनकी समझ में आता है ये बड़ी ख़तरनाक बात है जो मैं करूँ अगर ये सच है तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है हो सकता है आप कहें कि नहीं आ, आप लोग मुझे झुठला सकते हैं कि नहीं आर रॉन्ग तुम झूठ कह रहे हो हम लोग तो सारी जिंदगी तो मुलाकात की तैयारी में गुजर रही है हमारी अल्लाह की मुलाकात हमारी मंजिल है अल्लाह की सफ़ात अपने अंदर पैदा करने की और अल्लाह के रंग में रंगने की अपने यानी अपने आप को अल्लाह के रंग में रंगने की हम भरपूर कोशिश में लगे हुए हम नफ्स की नहीं मानते हम अल्लाह की मानते हैं अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं और जब हम सुन लेते हैं और अमल करते हैं समय आना वता आना ये हमारी सानिया है हम उखरवी मफादात पर दुनिया के मफाद को तरजीह नहीं देते आप ये के दावा कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि मामला इसके उलट है हमने दुनिया को तरजीह दे दी है उखरवी जिंदगी पर आप देख लें आपकी सोचें अपनी सोचों को देख लें आप अपने ड्रीम्स ख्वाबों को देख लें कि आपके ख्वाब क्या हैं आपके ख्वाब तो बस दुनिया के हैं सारे और फिर ख्वाबों की अपनी मैं कौमी इसम्बली का मंबर कहता है कि मैं वज़ी अजम बन जाऊँ नहीं तो कम अज़ कम वज़ीर बन जाऊँ नहीं तो कम अज कम मशीर बन जाऊँ और सूबाई इसम्बली का मेबर कहता है कि मैं तो वज़ी अली बन जाऊँ कम अज कम ख्वाब उसका होता है यानी एक शख्स का इंतखब हो गया सूबाई इसम्बली के लिए तो वो ख्वाब देखता है सबसे पहले जब तक वज़र अल की नामज़दगी नहीं होती तो वह भी ख्वा हर यानी कोशिश करता है या किसी ऐसे मौके की तलाश में रहता है कि मैं वजीर अला बन जाऊँ और बड़े एहतजाज हो जाए जो मज़बूत उम्मीदवार हैं और एक को बना दिया जाता है दूसरा रह जाता है बड़ा एहत होता है आपको मालूम ये तो एक लालची दुनिया है हमें जाहिर की लालच है बहर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़ा मैं तकबुर की बात कर रहा हूँ तो हर शख्स जो है यानी अब तकब्र है क्या देखें मैंने आपको दुनिया के लिहाज से कहा कि यहाँ बड़ाई और बड़े की बात मनना मानना लाजिम है अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है अपने लिए और अल्लाह तेरी मराज मेरी तरक्की मेरी कामयाबी मेरी, मेरी निजात इस बात में रख दी है कि मैं अल्लाह की मानूँ और अल्लाह के सिवा किसी की भी न मानूँ अल्लाह की इतात करूँ और उसकी इतात में किसी को शरीक ना करूँ अल्लाह से मोहब्बत करूँ और उसकी मोहब्बत में किसी को शरीक न करूँ ये अल्लाह ताला ने इंसान की मैं देखें आहिस्ता आस्ता ये तमाम जुमले जो हैं आहिस्ता आस्ता कह रहा हूँ और इसमें कोई जज्बातीत नहीं है हाँ आहिस्ता आस्ता इंसान की कामयाबी अल्लाह ताला ने इसमें पोशीदा कर दी है कि इंसान अल्लाह को बड़ा माने और कह दे कि अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है फिर अल्लाह की माने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर ले अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दे इसमें इसकी माराज है मुख्तसर देखें अल्लाह ताला की तौफ़ी से मैं आपको मुख्तसर तरीन कामयाबी का रास्ता बता रहा हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊँ आप अल्लाह की मानना शुरू कर दें वो फिर तरीकेकार है वो फिर कभी तफसर में आ जाएगा लेकिन अगर किसी इंसान ने अल्लाह के हुक्म को नज़रअाज़ कर दिया अपने मकसद पैदाइश को भुला दिया दुनिया को मकसूद बना लिया अब लाजमी तौर पर यह अल्लाह की बात इस पर बहुत भारी लगेगी क्योंकि ये तो इसने तो सर उठा लिया सर झुकाया नहीं है ये तकबर है मैं दोबारा ये मजमून रिपीट करता हूँ बड़ा अहम मज़मून है अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी को अपनी बंदगी और इतात और मोहब्बत से मशरूत कर दिया है अगर कोई इंसान अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ को महबूब बना लेता है या किसी और चीज़ को अल्लाह पे तरजीह देता है अल्लाह की मुलाकात पर और अब इसके लिए हुक्म इलाही की तामील बहुत मुश्किल होगी और ये यहाँ रुक के मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप देख लें अपने यानी इर्द गिर्द पेश देख लें बहुत से ऐसे लोग आ, आपके सामने होंगे बहुत से बड़े ऐसे होंगे इस मुल्क के जो जो आपको पता होगा कि नहीं ये शख्स शरीयत का न पाबंद है और न हो सकता है शरीयत का पाबंद क्या अल्लाह का हुक्म और रसूल की पैरवी रसूल की इतात लेकिन हमारे अक्सर यानी क्या बड़े और क्या छोटे हम सब अल्लाह ताली के हुक्म और रसूल की सुन्नत तरीक़े के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुज़ारना चाहते हैं ये तकबर है और मैं थोड़ा सा और भी यानी आहस्तगी से आपको ये बात कह रहा हूँ थोड़ी सी गौर से सुन लें तकबर तकबुर किया शैतान ने वो मरदूद हो गया जो ये अब अल्लाह ताली का क़ानून है ये सिर्फ शैतान के साथ मखसूस नहीं है जिस इंसान ने अल्लाह की इताद से कौला या अमला इनकार कर दिया ये मरदूद हो जाएगा ये लानती होगा ये बात नोट कर लेकर हम तो एक गहरी यानी कुछ गहरी गलत फहमियों में पड़े हुए कि भाई मैंने तो कलमा पढ़ लिया अब अल्लाह का हुक्म मानूँ या न मानूँ और ये आपको मैं घर की मिसाल देता हूँ घर में मियाँ बीवी हैं वो उनको मालूम है मियाँ को मालूम है कि यानी बीवी के साथ सलूक अच्छा करना चाहिए उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए खाम लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए उससे प्यार करना चाहिए लेकिन मजाल है कि शौहर साहब जो है ये बात तस्लीम कर लें यानी अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दें अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो बेहतर तुम में से वो लोग हैं लेकिन मैं आपको वैसे आम ये घर की मैं मिसाल इसलिए देता हूँ ना ये घर घर की कहानी है घर में आपके वालदेन हैं उनका अपना मिजाज है और ज़रूरी नहीं है कि वो शरीयत के मुताबिक हो अक्सर वालदे गुम हैं रास्ता उनसे गलत है उन्होंने दुनिया को मंजिल बना लिया है अपने बच्चों को भी दुनिया के रास्ते पर भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चों को दुनिया ही की कामयाबी के रास्ते पर डालें अखरबी की उरबी कामयाबी न तो वालदेन की हमारी तरजीह है और न हम उसको तरजीह बनाना चाहते हैं बहरहाल तकबर के मैं माने बयान कर रहा हूँ अबा देखिए दो बातें हैं इनक और तकबुर दरअसल इनकार क़ौन या अमलन, तकबर ही है अबा वस्तकबर। इंसान अगले को जब न... 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 कमतर समझे तो फिर अपना हुक्म नाफ़ करने की कोशिश करता है दुनिया में भी आप देख लें कि हर आ... शख्स जो है जहाँ भी मौका उसे मिलता है अपनी करने की कोशिश करता है अबावस्त तक पर तो यानी अपनी करने की कोशिश जहाँ भी जिसको मौका मिलता है लेकिन जब मजबूरी हो तो वो फिर दूसरे की मानता है या हमारी मजबूरी तो नहीं है अल्लाह की मुलाकात की तैयारी हमारी मजबूरी नहीं है हमें मजबूरी मालूम ही नहीं होती अगरचे अशद ज़रूरत है कि हम अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयारी करें ये हमारी अशद ज़रूरत है इसके बगैर चारेकार नहीं है इसके बगैर कामयाबी का कोई तसुर नहीं है मैं आपको ये बात बता दूँ सिर्फ़ कलमा पढ़ लेने से आप जाहिर में मुसलमान तो कहलाएंगे लेकिन जब दिल में आपके यकीन पैदा हो जाएगा कि हाँ मेरी मंजिल अल्लाह है और मैंने अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारनी है और अल्लाह के हुक्म के सामने आप अपना सर झुका दें तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे और ये बात मैं कह के क़ुरान पाक की एक आयत भी आपको सुना रहा हूं कि बला बलामन असलम वजह व हुआ मोहसिन फलाहु अजरू इंद रबी बला खौफन अलू जिसने भी अपना सर झुका दिया अल्लाह के सामने मन असलम जिसने भी मन असलम जिसने भी मर्द हो या औरत और अल्लाह के हुम के सामने सर झुका दिया और उसमें ये मुखलिस है इसके लिए अजर है फ़लह अजरहू इंदर अब भी वला ख़ौफु नाला हसन इसके लिए ना कोई खौफ़ है ना कोई गम है तो बहर ये आप यदि देखना होगा आपने कि हम क्या कर रहे हैं किधर जा रहे हैं और हमारा रुख किस तरफ़ है और असल में हम इनकारी हैं क्या यानी इनकार किस से अल्लाह के हुक्म की इताद से हम लोगों ने आमलन मुंह मोड़ लिया है हम मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ हम जो हैं कौन मुसलमान कौन जो कलमा गो हैं कौन जो पांच वक्त के नमाजी हैं कौन जो रोज़ा रखते हैं रमज़ान में जो जक़ात देते हैं जो हर साल हज पे जाते हैं इन लोगों ने अल्लाह की कामिल बंदगी से इताद कर दिया है बल्कि वो अल्लाह की बंदगी का ख्याल भी नहीं है उन्हें ना उन्हें एहसास है ना ख्याल है ना वो ज़रूरी समझते हैं हम लोग चंद इबादात ज़ाहरी इबादात करके मतमिन हो जाते हैं भैया देखो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है पाँच वक्त का नमाजी हूँ रोज़े रखता हूँ साल में ज़क़ातें देता हूँ ख़ैरातें करता रहता हूँ उम्रे पे जाता रहता हूँ और क्या चाहिए यानी ये देखें ये हमारी अपनी ज़हनीत है कि चंद अफ़ाल करके ज़िंदगी हम अपने आप को यानी चंद अफ़ाल करके और दुनिया को मंजिल बनाकर और दुनिया ही के लिए हम ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और ये जो है ये अक्सरियत हम मुसलमानों की अक्सरियत इसमें मुबला है नहीं देखें जब तक अल्लाह आपका मकसद हयात ना हो आप उसकी इताद का सवाल ही नहीं पैदा होता आपकी तो अपनी तरजीहात हैं दुनिया आपकी तरजीह अव्वल है तो फिर अल्लाह के अहकाम की आपको परवाह नहीं होगी आज आम तौर पर देखें हराम खोरी है रिश्वत सतानी है करप्शन है और इस वक्त कोई तस्वर नहीं कर सकता कि ये माशरा ठीक हो जाएगा इन आदत से क्योंकि हमारी तरजीह अल्लाह नहीं है हमारा महबूब अल्लाह नहीं है ना अल्लाह हमारा मकसूद है अब अल्लाह की इतात और रसूल की इतात वो तो रह गई हमसे मैं आपको यानी बताता भी रहता हूँ रिश्वत ख़त्म हो जाए आपसे मैं पूछता हूँ आज 2019 दिसंबर का महीना है छब्बीस तारीख़ है क्या आज की डेट में आप सोच सकते हैं कि आइंदा 20 सालों में आइंदा 20 सालों में ये माशरा सालह माशरा बन जाएगा हर शख्स अल्लाह वाला होगा हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए ख़ास कर दी होगी हर शख्स चोरी चकारी रिश्वत करप्शन नाजायज़ कमाई मिलावट इससे बाज आ जाएगा 20 सालों में कैन यू इमेजन नो एट ऑल यानी बाज़ लोग ये कहेंगे कि भाई ये हालत तो कयामत तक रहेगी ऐसा ऐसी बात नहीं है लेकिन बात यह है यानी बाज़ लोग यानी ये, ये लोगों का इतना पुख्ता हो चुके हैं अल्लाह से दूरी अल्लाह के अहकाम से इनकार और तकबुर में इतने गहरे हो चुके हैं हमारी जहनीत रासिक हो चुकी है कि कोई बात नहीं चंद अफ़ाल कर लो नमाज़ पढ़ लो रोज़ा रख लो और जक़ात दे दो खैरातें कर लो और बस तुम जन्नती हो अल्लाह ताला तो यही कहता है कि भाई जिक्र करो अल्लाह का यानी जिक्र के माने भी हमने महदूद कर लिए ना कि वो तस्बीहात आपके बाज़ औकात वज़ी आज़म हैं वो तस्बीह पढ़ते रहते हैं या कुर्सी या कुर्सी या कुर्सी <laughs> वैसे मैं बात करूँ तो तकब्बुर तकबर की मैं बात कर रहा हूँ तकबर को समझने की कोशिश करें हम सब मतकबर हैं और रहना चाहते हैं मतकबर अल्लाह को हम बड़ा नहीं तस्लीम करते वरना बड़े की बात तो मानी जाती है ये तमाम दीन हमें ये सिखाता है कि रब को बड़ा समझ लो रब को बड़ा जान लो या मुद्दस फंजर और रब का फकबर ए कमली उड़ने वाले उठो कम वंजर और लोगों को ख़बरदार करो व रब का फ़क फ़कद रब को बड़ा करो हजूर सलम की तशरीफ तशरीफ़ आवरी का मकसद यही है कि लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दे आज़ी की तरफ दावत दे और इंसानों को Allah के सामने दावत दें कि तुम लोग सर झुका दो अल्लाह पैगंबर इसलिए आए हैं लेकिन हम न पैगंबर की बात सुनने के लिए तैयार हैं न अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार हैं और हम काफिरों में से हो गए हैं लेकिन दो सिफात हैं आबा वस्तक पर हमने इनकार किया है अमली तौर पर अमलन देखिये दो बातें कौला हमलन हम कौला इनकार नहीं करते अमलन इनकार करते आप देख लें बहुत से यानी लोग जो हैं दीन की बातें करते हैं लेकिन दीन के उनकी सूरत भी शरीयत के खिलाफ है उनके काम भी शरीयत के खिलाफ है आपके यूट्यूब पे एक ऐसे मुकर्रर भी हैं लाखों उनके फॉलोअर्स हैं उनको बुलाया जाता है सेमिनार्स में लेकिन दाढ़ी मुंडा और सिगरेट सिगरेट नोशी का रसिया और वो दीन की बातें करता है अल्लाह की बातें करता है मैं नाम नहीं लेता हमको पता होगा तो ये दीन की दावत देने वाले हैं बहरअल ये हर शख्स की लेकिन देखें सबसे पहले इंसान को खुद अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना चाहिए वमन वाल वकाली मुसलिमिन किसकी बात अच्छी है उस शख्स से यानी उस शख्स की बात सबसे अच्छी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे और ख़ुद भी नए का अमल करे साल अमन और कहे कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ तो बहर ये सारी बातें हैं और अबा वस्तकबरा व का मिनल मिनलकाफ़रीन आज हमने ये सबक पढ़ा है यदि ये, ये दो सिफात अगर आप में पैदा हो जाए इनकार और तकबर पैदा क्या हो जाए हैं मौजूद हैं आप इनसे फिरना ही नहीं चाहते न इनकार की खूह छोड़ना चाहते हैं न तकबर की रविश छोड़ना चाहते हैं ये बड़ी ख़तरनाक बात है और ये इंसान काफिर है हकीकी तौर पे जो शैतान के रास्ते पर चल रहा है जिसने इनकार किया है जिसने तकबर अख्तियार कर लिया है तो ये काफिरों में से हो गया है क्योंकि शैतान ने एक हुक्म से इनकार किया था और वकान मिलल काफीन का फितवा अल्लाह ताला ने उस पर लगा दिया हम तो ना जाने कितने अहकाम को भुला देते हैं और हकीकत में हम काफिर हैं नहीं मानते काफिर का मतलब ना शुक्र काफिर का मतलब न मानने वाला کرتا <سؤال> ہوں <سؤال> ترجمہ ترجمة سنة <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين वह इसकुल नमलाए क तिस जुदूल आदम और जब हमने कहा फ़रिश्तों को कि तुम सिद्धा करो आदम को फसा जदू बस उन्होंने किया इल्ला इबलीस लेकिन इबलीस ने नहीं किया अबा इनकार किया हुक्म से इनकार वस्तक बरा और तकबर किया अपनी राय को अहमियत दी वकाना मिनल का लिहाजा काफिरों में से हो गया अब नायत की तिलावत और तर्जुमा बिस्मिल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है वो इबूली आदम और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया इसके साथ ही सामने ग्राम आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुंचा, इन अगले दर्श में मुलाकात होगी وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم